DRDO बहुत अच्छी कंपनी है और उसमें जो है वो वैकेंसी आई है, मतलब रेगुलर जॉब आई है, काफ़ी बड़ी संख्या में आई है, जिसमें जो है 1901 वैकेंसी आई हुई हैं और ITI के छात्रों के लिए भी जो है बड़ी संख्या में और ज़्यादा जो है ट्रेड से वैकेंसी आई हुई हैं। तो सैलरी भी बहुत अच्छी है। और कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, आप लोगों का क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, साथ में सलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कैसे कैसे सलेक्शन होगा, नौकरी की जो है सैलरी वो क्या होने वाली है, और साथ में फॉर्म कब स्टार्ट होगा, फॉर्म की एंड डेट क्या है, और एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, और एग्ज़ाम जो है किस फेज़ में होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आशा करते हैं आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा जो नोटिफिकेशन है बहुत आसानी से आप लोग जो है वो समझ जाएंगे। मैं सत्येंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 Degrees में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं DRDO में ये वैकेंसी है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पोस्ट किसके लिए है, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत ये आता है। और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट और 1901 वैकेंसी यहाँ पर है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो है क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी 23 सितंबर है, ओपनिंग अप ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 3 सितंबर से जो है स्टार्ट हो गए हैं और फॉर्म की लास्ट जो जो है वो 23 सितंबर है। 20 दिन आपको फॉर्म देने मतलब फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। और टेंटेटिव डेट फॉर टीयर वन एग्ज़ाम के लिए टेंटेटिव डेट क्या होगी, तो वो जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर वो है डिस्प्ले की जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे हम लोग आप लोगों को बता देते हैं। सेक्शन वन है, सेक्शन वन जो है वो पोस्ट है 1.1 में जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट है और ये ग्रुप बी की पोस्ट है और नॉन गजटेड है और नॉन जो है वो मिनिस्ट्रियल है। तो इसमें तो देखिए सारी जो हैं वो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, या तो यहाँ पर जो है बैचलर डिग्री साइंस में होगा या फिर डिप्लोमा होगा या फिर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में होगा या अलाइड सब्जेक्ट में होगा। और यहाँ पर जो है बीटेक बी और PhD के छात्रों के लिए अप्लाई करने के लिए मना किया जा रहा है, MSc के छात्रों को भी मना किया जा रहा है। तो ये तो उन छात्रों के लिए है जो डिप्लोमा किए हैं या फिर BSc ये सारी चीज़ें की हैं। बात करते हैं हम जो ITI के बच्चों हैं उन पर हम लोग जो है वो फोकस करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1.2 टेक्नीसियन ए जो है ग्रुप सी की वैकेंसी है, 4200 GP रहती ग्रुप सी की और पे स्केल यहाँ पर सैलरी आप लोग देख सकते हैं 19900 से स्टार्टिंग होगी। और इसमें जो है ये तो बेसिक सैलरी है, 19900 बेसिक सैलरी है और इसमें जब DA और बहुत सारे अलाइंस जुड़ेंगे तो ये लगभग 40000 सैलरी हो जाएगी, 35 से 40000 सैलरी हो जाएगी। तो 35 से 40000 सैलरी से आप लोगों की स्टार्टिंग इसमें होने वाली है। और यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका 18 से लेके 24 साल तक होना चाहिए और बाकी SC ST OBC और NCL ECM और PWD BDO इन सब के लिए जो है वो छूट है। वो छूट क्या है वो नीचे दिया है पूरा क्राइटेरिया, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है वो यहाँ भी फॉलो होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। बात करें यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाली है, तो आपको सबसे पहले 10th पास होना चाहिए, दूसरा आपका ITI पास होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से और मिनिमम जो है आपकी 1 साल की तो ट्रेड होनी ही चाहिए। तो ये आपकी इसमें एजुकेशन क्राइटेरिया, मतलब 10th पास होना चाहिए और ITI मिनिमम 1 साल वाली ट्रेड से पास होना चाहिए, 1 साल वाली ट्रेड से जो है और 2 साल वाली जो ट्रेड है दोनों से पास आउट जो है वो आराम से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी आई। सबसे पहले बात करें ऑटोमोबाइल के लिए, तो ऑटोमोबाइल के लिए देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं SC ST OBC और EWS जनरल टोटल वैकेंसी देख सकते हैं और MSP और ESM इसकी फुल फॉर्म नीचे लिखी होंगी वो मैं आपको बता दूंगा और PWD के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं और टोटल वैकेंसी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे ऑटोमोबाइल के लिए टोटल 5 वैकेंसी हैं, बुक बाइंडर के लिए 20 वैकेंसी हैं, कारपेंटर के लिए यहाँ पर जो है वो 16 वैकेंसी है, CNC ऑपरेटर के लिए 9 है, कोपा के लिए 139, देखिए कितनी अच्छी मात्रा में वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 35 है और DTP ऑपरेटर के लिए 8 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 106 वैकेंसी है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी अच्छी मात्रा में वैकेंसी 113 है और फिटर के लिए 127 है, ग्राइंडर के लिए 7 है, मशीनिस्ट के 89, डीजल मकैनिक के लिए 8 है और मिल वेट जो है मकैनिक के लिए 8 है
और यहाँ पर देख सकते हैं मोटर मैकेनिक, पेंटर, फोटोग्राफर, आरएसी के लिए भी देखिए वैकेंसी नहीं आती, यहाँ भी आरएसी के लिए जो है वो 8 वैकेंसी आई हुई है। अब यहाँ पर देखिए सीट मेटल वर्कर के लिए है, टर्नर के लिए, वेल्डर के लिए 50 वैकेंसी है, टोटल जो है वो 826 वैकेंसी प्लस जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 12 इसमें और जोड़ लीजिए, 47 और जोड़ लीजिए और 24 इसमें और 34 और जोड़ लीजिए, इतनी वैकेंसी जो है वो आईटीआई के छात्रों के लिए आई हैं। और बात करें सेक्शन वन हो गया, सेक्शन टू जो है वो क्या है, सेक्शन टू यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, सेक्शन टू में हम लोग चलते हैं, रिम्बर्समेंट एंड सर्विस कंडीशन क्या है, जो है 7 CPC के अनुसार आपकी जो है ग्रुप सी की यहाँ पर जो है पे ग्रेड लगेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि आपकी जो नेशनलिटी होनी चाहिए, मतलब आप इंडियन होने चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, जो भी मैंने अभी बताया कि आईटीआई होना चाहिए और साथ में आपका जो है वो 10th पास होना चाहिए, और आईटीआई 1 साल वाली ट्रेड और 2 साल वाली ट्रेड दोनों के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। मेडिकल फिटनेस आप फिट होने चाहिए और आप जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप पहले कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, अगर काम नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट शुड बी इंश्योर डेट दे, और यहाँ पर कैंडिडेट को जो है वो अपना जो है फॉर्म भरने से पहले, अप्लाई करने से पहले इंश्योर करना कर लेना चाहिए कि सारे क्राइटेरिया वो है वो फुलफिल करता है कि नहीं। 2.5 रिजर्वेशन एंड बेनिफिट की बात करें तो रिजर्वेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल पे लगेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उसके यहाँ पर भी वो फॉलो होगा। एज रिलैक्सेशन में भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रूल फॉलो होगा, यहाँ पर जो है वो लिखा है। 2.4 के बाद हम आते हैं 2.5 पर, और 2.5 पर आते हैं 3.1 पे, सेक्शन 3 पे आ जाते हैं हम। सेक्शन 3 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सेक्शन 3 है कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करें। देखिए फॉर्म को कैसे अप्लाई करें, तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, DRDO की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, DRDO.gov.in इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। 3 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और उससे पहले आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन जो है वो क्लियरली जो है पढ़ लेना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपका जो है क्वालिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसके बाद दूसरा आपका आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, तीसरा 10th की मार्कशीट लगेगी, सर्टिफिकेट लगेगा, फिर एक फ़ोटोग्राफ लगेगा, फिर आपका सिग्नेचर लगेगा और वाइट पेपर पर सिग्नेचर करके लगेगा, और आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग यहाँ देख सकते हैं आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज आईडी, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। फिर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल लगेंगी, जैसे कि मेल आईडी लगेगी, मोबाइल नंबर लगेगा, करस्पॉन्डिंग एड्रेस लगेगा और परमानेंट एड्रेस लगेगा। फिर कैंडिडेट विल रिक्वायर टू सबमिट देयर क्वालिफिकेशन और क्रूजल डेट ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन, और आप लोगों को जो है सावधानी पूर्वक डेटा भरना है। 3.2 है कि सबमिशन कैसे करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो ऑनलाइन ही आपको फॉर्म को सबमिट करना है, और नो प्रिंट कॉपी अप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू सेंड टू जो है सेप्टम, तो जो एजेंसी है DRDO को आपको कोई भी प्रिंटआउट की फ़ोटोकॉपी जो है वहाँ पर नहीं भेजना है, या फिर प्रिंटआउट नहीं भेजना है, निकलवा के आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म ही अप्लाई कर देना है, ये तो और अच्छी बात है। फिर बात करें एग्ज़ाम फ़ीस की कि एग्ज़ाम फ़ीस कितनी होने वाली, तो देखिए आपकी एग्ज़ाम फ़ीस जो है वो 100 रुपये होने वाली है, और एग्ज़ाम फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, और एग्ज़ाम फ़ीस में भी जो है सभी जो महिलाएँ हैं SC ST PWD और ESM वाले बच्चे जो हैं उनके लिए ये फॉर्म जो है वो फ्री है, और बाकी सभी छात्रों के लिए 100 रुपये लगेंगे, और जो 100 रुपये आपको पे करने होंगे वो ऑनलाइन मोड से आप लोग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से आप लोग जो है पेमेंट कर सकते हैं। पोस्ट जो है मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप लिखा हुआ है। फिर सेक्शन 4 पर हम आ जाते हैं, और देखिए एग्ज़ाम सिटी की भी बात करें हम यहाँ पर, एग्ज़ाम सिटी देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, एग्ज़ाम सिटी ये उत्तर प्रदेश में आगरा हो गया, और यहाँ पर देख सकते हैं 39 जो है एग्ज़ाम सिटी हैं, और रिजेक्शन क्राइटेरिया कोई भी रिक्वायरमेंट अगर मीट नहीं करती है तो फॉर्म को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और 3.6 में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 3.6 है
कि जो एडमिट कार्ड है, डेट डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रदर्शित किया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 3.7 के बाद, 3.7 हो गया। अब सेक्शन 4 पर आ जाते हैं। सेक्शन 4 है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो पोस्ट बी है, टेक्निकल ए है, उसके लिए सिलेक्शन जो होगा वो एक पहला तो होगा कि स्कोर टीयर 1 के CBT में आपने जो स्कोर किया है उसमें, और CBT जो 2 होगा टीयर 2 उसमें भी स्कोर जो होगा उसके बेस पे ही आपका जो है वो सिलेक्शन होने वाला है। फिर यहाँ पर उसके बाद जो है ट्रेड टेस्ट 2B ITI लेवल का जो है एक ट्रेड टेस्ट होगा, और उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन में भी चेंज डिपेंडिंग, और मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो चेंज भी हो सकता है। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और क्वेश्चन का जो मीडियम होगा वो हिंदी और इंग्लिश होगा, और जो आपका सिलेबस है वो आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे कोई ट्रेड से रिलेटेड है, फिटर से रिलेटेड है, तो फिटर से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर बात करें, देखिए आपका जो मोड टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस यहाँ पर बात करें, जैसे पहला टीयर 1 का जो है CBT एग्ज़ाम होगा, उसको CBT फॉर स्क्रीनिंग बोल सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनिंग के लिए होगा, जिसमें आप लोगों का जो है टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्ट, पोस्ट सबके लिए कॉमन होगा, जिसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी और एप्टीट्यूड आएगा, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग आएगा, और इंग्लिश बेसिक इंग्लिश आएगी, और जनरल साइंस आएगा। इसमें 120 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम जो है 120 मार्क्स होंगे, और एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट मिलेंगे, मतलब 20 क्वेश्चन के लिए जो है 120 क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 घंटा मिलेगा। फिर जब इसमें ये स्क्रीनिंग हो जाएगी, जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो बच्चे पास कर लेंगे उनके लिए फिर जो है दूसरा CBT एग्ज़ाम होगा, प्रोफेशनल सिलेक्शन, मतलब ट्रेड से संबंधित टेस्ट स्पेसिफाई टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड, तो आप जिस ट्रेड से हैं उससे संबंधित आपका टेक्निकल टेस्ट होगा टीयर 2 में CBT में। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, और 90 मिनट यहाँ भी मिलने वाला आपको। स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं आपको जो है वो कितने परसेंट मार्क्स लेके आने हैं। जैसे पहला टेस्ट जो है टीयर 1, इसमें आपको 40% लेके आने हैं जनरल OBC वालों को, और 35% ST वालों को, SC ST वालों को लेके आना है, और जो रेशियो होगा वो 1:8 में जो है यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर आप लोग जो है वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पर और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये तो देखिए ऊपर वाला जो है था वो था, यहाँ पर ऊपर वाला जो था वो आप लोगों का टेक्नीशियन के लिए नहीं था, ये टेबल 2 जो है वो टेक्नीशियन के लिए। सेम क्राइटेरिया यहाँ भी है, पहला जो स्क्रीनिंग होगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जा रहे हैं, पर क्वेश्चन जो है वो 120 ही रह रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो है वो सेम है। और ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेंगे यहाँ पर। फिर नॉर्मलाइजेशन सेक्शन 5 पर आते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं बच्चों के लिए। तो कोई भी आपको जो है नो प्रिंट कॉपी एप्लीकेशन, आपको कोई भी फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन की कॉपी की प्रिंट करके वहां पर नहीं देना है। और आगे बात करें तो यहां पर 5.2 पे देख लेते हैं, और 5.3 पे भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं दी हुई हैं। और कौशन क्या क्या रखना है, तो फॉर्म को सब सही से भरना है, सारी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी है। कॉन्टैक्ट अस में यहां पर आप लोग देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट अगर आपको करना है तो यहां पर आप लोग जो है हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, मेल आईडी दी है, और एड्रेस दिया है, यहाँ पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों के कौन कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी आई है, एज क्राइटेरिया कितना है, सैलरी कितनी होने वाली है, और साथ में आप लोगों को जो है कैसे कैसे उसमें सिलेक्शन होना है, टीयर 1 में कितने क्वेश्चन आएंगे, टीयर 2 में कितने क्वेश्चन आएंगे, टीयर 1 में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग ये सारी चीज़ें आएंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, नो कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है, और उसमें आप लोगों को जो है 40% जनरल OBC वालों को और SC ST वालों को 35% नंबर लाएंगे। तो सेकेंड राउंड के लिए CBT के लिए जो है टेक्निकल CBT के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे, वहाँ पर आपके ट्रेड से संबंधित 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर उसमें फिर से आप लोगों की मेरिट लगेगी, उस हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। इसमें आशा करते हैं कि आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे, ऑनलाइन फॉर्म आप लोग जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसकी उस वहाँ से भर लेंगे। कोई दिक्कत होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपकी हेल्प करने का आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में
बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।